आज हम देखेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, ये हॉटस्पॉट वो मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करने वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है, ये दूसरा हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो चलिए इसे आज हम देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। ठीक है, तो जैव विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर ने 1998 में किया था। ठीक है, अगर हम देखें कि हॉटस्पॉट कहते किसे हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते किसे हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की स्थानीय प्रजातियों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहां जो भी पौधे पाए जा रहे, जंतु पाए जा रहे, या जो सूक्ष्म जीव पाए जा रहे, वो स्थानिक होने चाहिए, यानी कि वो वहीं के होने चाहिए। ठीक है, वो कहीं बाहर से लाए गए ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ संवहनीय पौधों की 1500 स्थानिक प्रजाति पाई जाती हो और उनके मौलिक आवास का 70% भाग नष्ट हो गया हो। इस जैव विविधता हॉटस्पॉट को मेगा डाइवर्सिटी रीजन या मेगा डाइवर्सिटी लोकैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसे और दो नामों से जाना जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसे और दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक तो होता है मेगा डाइवर्सिटी रीजन, और दूसरा होता है मेगा डाइवर्सिटी लोकैलिटी। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, इसलिए आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहिए, मेगा डाइवर्सिटी रीजन कहिए, या मेगा डाइवर्सिटी लोकैलिटी कहिए, तीनों का मतलब यही होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं या फिर सूक्ष्म जीवों की जो प्रजातियां हैं, उन्हें क्या, स्थानिक प्रजातियों को क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, अब देखिए विश्व में वर्तमान समय में कितने हॉटस्पॉट है? तो विश्व में वर्तमान समय में 37 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, यानी कि 37 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्थानिक प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है और जिनका 70% भाग जो है वो नष्ट हो चुका है। जैसे हम उदाहरण अगर देखते हैं तो अमेजोनिया, मलेशिया प्रायद्वीप, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, उष्णकटिबंधीय एंडीज, पश्चिम अफ्रीका, भारत, भारत का पश्चिमी घाट, फिलीपींस, हिमालय आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है? यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, थीके? अब देखिए भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट, देखिए यहाँ पे पूरा 37 तो मैंने नहीं लिखा, पूरा 37, लेकिन ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं कि हाँ ये सारे जो रीजन है वो हो सकते। ठीक है, पूरा 37 आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में कितना है। तो भारत में तीन हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हिमालय, दूसरा आता है इंडो बर्मा रीजन, और तीसरा आता है पश्चिमी घाट। अच्छा, एक चीज और, जो अमेजोन का जंगल है, ठीक है, या कांगो बेसिन है, तो ये सब क्या है कि विषुवत रेखा पर है। ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास में, तो उस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ सबसे ज्यादा हॉट जैव विविधता क्यों पाई जाती है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। ठीक है, तो सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है? वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? पेड़ पौधे उगेंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियां पाई जाएंगी वहां। यही रीजन है कि वहां बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? जैव विविधता पाया जाता है। इस वजह से उस एरिया को, उस रीजन को क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो भारत में तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ऐसे तीन क्षेत्र हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है हिमालय वाला क्षेत्र, दूसरा आता है इंडो बर्मा, या जिसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं, और तीसरा आता है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? तो इसमें आता है हमारा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल और चाइना। ठीक है, और यहाँ 10,000 से भी ज्यादा पादपों की प्रजाति पाई जाती है, और 32% स्थानिक प्रजाति पाई जाती है, और सिर्फ सिक्किम में ही 42,000 से ज्यादा पौधों की प्रजाति पाई जाती है, और 60% स्थानिक प्रजाति पाई जाती है। उप हिमालय में 5,800, ठीक है, 5,800, 5,800 से ज्यादा पौधों की प्रजाति पाई जाती है, और 36% स्थानिक प्रजाति पाई जाती है। नेपाल में 7,000 पौधों की प्रजाति पाई जाती है, और 8% स्थानिक प्रजाति पाई जाती है।
भूटान में 5,000 पौधों की प्रजाति पाई जाती है और 15 स्थानीय प्रजाति पाई जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं इंडो वर्मा जैव विविधता प्रदेश, तो इसके अंतर्गत आता है उत्तर पूर्व भारत के प्रांत म्यांमार के सीमावर्ती भाग जैसे कि हो गया बर्मा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुरा, त्रिपुरा और असम। ठीक है, यहाँ पौधों यहाँ जो है वो पादपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जलीय जंतु भी पाए जाते हैं और उन्हीं जलीय जंतुओं की स्थानीय प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? इंडो बर्मा रीजन में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में। तीसरा आता है हमारा पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में 52% स्थानीय प्रजातियां पाई जाती पौधों की, और इसके अंतर्गत आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। यहाँ अगस्थी मलाई पहाड़ी और साइलेंट घाटिया अति महत्वपूर्ण समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। यहाँ देखिए जो पहाड़ी है जिसका नाम है अगस्थी मलाई पहाड़ी, यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और साइलेंट घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में भी। और इस पश्चिमी घाट में हमेशा सदाबहार वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे देखिए अब हम इसे मैप के थ्रू देखते हैं, क्योंकि इंडिया का मैप उतना अच्छा है नहीं बना हुआ, तो उसे थोड़ा स्किप कर लीजिए, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, मुझसे उतना अच्छा बना नहीं। तो देखिए सबसे ऊपर में देखते हैं हम नॉर्थ में, तो ये हमारा आ जाता है हिमालय का, ये सिक्किम तक यहाँ तक। ठीक है, ये आ जाता है हमारा हिमालय का, इसमें लिख देते हैं हिमालय। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वो यहाँ से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये आ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इस साइड पे आता है हमारा क्या, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या, पश्चिमी घाट। ठीक है, मैप पर नहीं जाइएगा, मैप जैसा भी बना है आप अच्छे से बना लीजिएगा। मुझसे उतना अच्छा बना नहीं, मैं जल्दी जल्दी में बना लेती ना, तो मुझसे उतना अच्छा बना नहीं मैप, इसे स्किप करिएगा। लेकिन मैप पे जहाँ पे जो चीज को पॉइंट करना है उस चीज को जरूर देख लीजिएगा, और जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो मैप को कभी मत छोड़िएगा, मैप जरूर बनाइएगा, मैप से मार्क्स मिलते हैं ज्यादा। अब हम देखते हैं कि ये जो जैव विविधता है इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। ठीक है, जैव विविधता का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है जैव विविधता हमारे लिए? अगर जैव विविधता ना हो तो क्या होगा? अगर जैव विविधता की हानि होने लगी तो क्या होगा? और जैव विविधता को संरक्षण करना हमें क्यों जरूरी है, क्यों संरक्षित करना चाहिए हमें? ठीक है, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा इसका, तो चलिए उसी इम्पोर्टेंस को जानते हैं हम कि जैव विविधता का क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। ठीक है, तो जैव विविधता का मान नियंत्रण के लिए दो आधारों पर निम्न दो उपागमों में प्रचलित है। जैव विविधता का जो मान आधार है वो एक होता है आर्थिक मान आधार, पारिस्थितिक मान आधार, दूसरा होता है प्रत्यक्ष मान आधार मान या प्रत्यक्ष उपयोग मान, और अप्रत्यक्ष मान या निरुपयोग मान। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष उपयोग मान। तो ये क्या होता है कि जीवी समुदाय से मिलने वाली प्रत्यक्ष, यानी कि जो हमें डायरेक्ट मिलती है ना, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि हो गया हमें ईंधन के लिए हो गया हमें लकड़ी, और क्या मिलता है हमें डायरेक्ट, भोजन। तो ये सब क्या हो गए, जैसे खाद्य, बीज, लकड़ी, चमड़ा, फर, ये सब हमें डायरेक्टली किससे मिल रहे हैं, जैसे जानवरों से या पौधों से, पेड़ पौधों से, ये हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, लकड़ी हमें डायरेक्ट मिल रही है, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष उपयोग मान। इस प्रत्यक्ष उपयोग मान को आर्थिक लाभ या वास्तविक लाभ के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है हमारा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब ये हमें इनडायरेक्टली मिलता है। ठीक है, जैसे कि वे पारिस्थितिक संसाधन जो जीवी समुदाय से ना तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं और ना ही उनका सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो जो संसाधन हमें मिलते हैं, ठीक है, तो जैसे लकड़ी मिल रहा था वो डायरेक्टली हमें मिल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें ना तो डायरेक्ट मिलता है और ना ही उसका हम सीधे तौर पर उपयोग करते हैं। जैसे देखिए लाभ के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक तो पारिस्थितिक लाभ होता है, पारिस्थितिकीय सेवाएं, और दूसरा होता है आर्थिक सेवाएं। पारिस्थितिकीय सेवाएं में क्या होता है कि जल संरक्षण और सुरक्षा, वायु का शुद्धिकरण, जैसे कि जो जैव विविधता है हमारी, तो पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं,
ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को उतना ज्यादा अवशोषित करके हमें फ्रेश एयर देंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वायु का शुद्धिकरण होगा। इसलिए जैव विविधता जो है वो जरूरी है। मिट्टियों का निर्माण और संरक्षण होगा, जैसे मृदा अपरदन होती है, तो जब पेड़ पौधे लगे होंगे ना तो मृदा अपरदन होने से बच जाएगी, तो उस तरह से मृदा का संरक्षण हो जाएगा। मौसम एवं जलवायु का परिमार्जन एवं नियंत्रण, जैसे मौसम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, अगर जैव विविधता हमारी है अच्छी है तो क्या होगा, पेड़ पौधे है ज्यादा तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ठंड नहीं आएगी या बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, हर कुछ एक लिमिट में होगा, ठीक है। तो मौसम के लिए और जलवायु के लिए भी क्या है कि जैव विविधता हमारे लिए जरूरी है। जलीय चक्र का नियंत्रण एवं क्रियाशीलता, जो जल चक्र चलता है तो उसके लिए भी ये, उसका भी ये नियंत्रण करती है। पारिस्थितिक तंत्र का अनुरक्षण करती, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, सौंदर्यात्मक मान या लाभ। जैसे सौंदर्यात्मक मान या लाभ क्या होता है कि कुछ पौधे या कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे हम अपने बैलकोनी में लगाते हैं या हम अपने गार्डन में लगाते हैं, तो वो क्या होता है, खूबसूरत दिखता है, वो खूबसूरती के लिए ही होता है, उसका और कोई लाभ नहीं होता, तो वो खूबसूरती के लिए होता है। तो इस तरह से भी वो क्या हो गए कि जैव विविधता हमारे लिए जरूरी, वो फूल वो पौधे वो क्या हो गए, जैव विविधता का हिस्सा है, जैव विविधता का पार्ट है ना, तो वो क्या हो गए, वो हमें खूबसूरती, बस एक खूबसूरती के लिए हम उसे लगाते, सजावट के लिए लगाते, तो वो क्या हो गया, सौंदर्यात्मक मान। नैतिक मूल्य, भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक वन्य क्षेत्र, प्राकृतिक संग्रहालय। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक सेवाएं, यानी कि क्या क्या आर्थिक आहार का स्रोत बनता है ये, वस्त्र इससे मिलते हैं, आश्रय, आश्रय मीन्स कि जो आदिवासी लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, अधिकतर जंगलों में रहते हैं, तो जैव विविधता वहां जंगल पाए जाएंगे, तो वो किसके लिए, आदिवासियों के लिए वो क्या बन गया, आश्रय बन गया, ठीक है, वो रहने का एक जगह बन गया। विटामिन मिलते हैं हमें पौधों से, ठीक है, हमें औषधियों और दवाइयां मिलती है, ठीक है, जैसे कि जो भी आयुर्वेदा चलता है, ठीक है, तो आयुर्वेदा किस चीज से बनता है, तो उसमें सारी तो औषधियां जड़ी बूटियां ये सब यूज होते हैं, तो ये सब किस चीज का पार्ट है, सब तो जैव विविधता का पार्ट है। जलावन तथा व्यापारिक लकड़ियां, जलावन वाली मतलब कि जिन लकड़ियों को हम जला सकते हैं, व्यापारिक लकड़ी जिसका हम व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि पुष्पा मूवी में कौन सी लकड़ी थी, लाल चंदन की लकड़ी, तो लाल चंदन की लकड़ी वो तो स्मगलिंग करता था, लेकिन वो व्यापार के लिए उसे क्या करता था, काटा जाता था, और व्यापार के माध्यम से, व्यापार के लिए उसे क्या किया काटा जाता था और उसका व्यापार किया जाता था, ठीक है, उस लाल चंदन की लकड़ी का। उसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट की सामग्री, जो स्पोर्ट्स की सामग्री बनती है, जो सामान बनते हैं, वो भी किससे बनते हैं, जैसे लकड़ियों से, जैसे बैट बनना तो किस चीज से बनेगा, लकड़ी से बनेगा, है ना। पर्यटन के लिए, जैसे जो वन्य जीव रहते हैं, वन्य जीव संरक्षण रहते हैं, तो वहां क्या रहते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक कच्चा पदार्थ, जैसे हमें चमड़ा मिल गया, तो चमड़ा क्या हो गया, औद्योगिक कच्चा पदार्थ हो गया, ये भी पका हुआ नहीं है, ये क्या हो गया, ये कच्चा पदार्थ हो गया। उसके बाद आता है हमारा जैवनिक भंडार, तो ये सब क्या हो गए, इस तरह से जैव विविधता जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ होगा। मैं इसलिए ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, नहीं तो आप भी बोर हो जाइएगा एक ही चीज को, मतलब ये कंटिन्यूअसली पढ़ते पढ़ते। और ये जैव विविधता चैप्टर, जैव विविधता टॉपिक ऐसा है कि इसे बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।